हेल्थ एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ करंट अफेयर की। 2019 के कुछ बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, जिसमें यहाँ पे हम कवर करेंगे जो राष्ट्रीय नियुक्तियाँ और राष्ट्रीय महिला नियुक्तियाँ और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों पे, और हम यहाँ पे पुरस्कारों को भी देखेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे ध्यान से सुने, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं 2019 में बहुत सी नियुक्तियां हुई हमारे भारत देश में, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे या फिर महिलाओं के संदर्भ में देखें तो, ठीक है जी। तो उन्हीं नियुक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ राष्ट्रीय नियुक्तियों में, तो वायुसेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आप जानते हैं RKS भदौरिया को। और नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, 47वें मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े आप जानते हैं। और बात करें अगर संजय करोल की, तो ये पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं, है ना। अब नेक्स्ट अगर बात करें ऋषि कुमार शुक्ला की, तो आप जानते हैं CBI के निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया। नेक्स्ट अगर देखें हम नियुक्ति, तो BK यादव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। और अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो सुधीर भार्गव मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। और पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया। और राष्ट्रीय नियुक्तियों में पुरुषों के संदर्भ में अगर और देखें, तो आप जानते हैं कि करमवीर सिंह नौसेना के 24वें प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए। और अरविंद कुमार IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए। और आप जानते हैं कि सामंत कुमार गोयल रॉ के निर्देशक के रूप में नियुक्त हुए। तो नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, तो आप जानते हैं ओम बिरला स्तारबी लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। और डॉक्टर कस्तूरी रंगन की बात करें, तो नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। तो आप जानते हैं अधीर रंजन चौधरी की बात करें, तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। अगर नेक्स्ट हम देखें सौरभ गांगुली, है ना, तो BCCI के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगर नेक्स्ट हम बात करें गिरीश बापट की, तो आप जानते हैं प्राकलन समिति के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया। आप जानते हैं प्राकलन समिति के बारे में आपने पढ़ा होगा, लोक लेखा समिति के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम बिपिन रावत की, तो आप जानते हैं भारत के पहले रक्षा प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए, है ना जी। और नेक्स्ट अगर बात करें अब राष्ट्रीय महिला नियुक्तियों की, तो राष्ट्रीय महिला देश की महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे, है ना, किस जगह किस महिला को नियुक्त किया गया। तो चलिए देखते हैं हीना जसवाल, है ना, तो आप जानते हैं कि हीना जसवाल की अगर बात करें, तो वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियरिंग के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। और नेक्स्ट अगर बात करें भावना कंठ की, तो आप जानते हैं भारत की पहली लड़ाकू विमान पायलट के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। और आप जानते हैं कि मोहना सिंह चित्रवाल इनकी हॉक एडवांस जेट मिशन को अंजाम देने वाली ये प्रथम महिला थी, है ना। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं गौरी सावंत की, तो देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई है। अगर नेक्स्ट हम देखें चंद्रावी मुर्मू की, और आप जानते हैं सबसे युवा सांसद के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया, सबसे युवा सांसद के रूप में हम इन्हें देखते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करें, तो चंद्रिमा साहा की अगर बात करें, तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई। और आप जानते हैं कि जो ज्योति शर्मा सेना की पहली महिला जज, है ना, सेना की पहली महिला जज के रूप में किसे देखते हैं, ज्योति शर्मा को। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं जी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की, तो हमने बात की राष्ट्रीय नियुक्तियों में पुरुष देखे, है ना, और उसके बाद हमने राष्ट्रीय नियुक्तियों में महिलाओं की चर्चा की। अब नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की, तो आप जानते हैं मनु साहनी नाम सुना होगा आपने, ICC के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। तो आप जानते हैं ICC की फुल फॉर्म
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अब अगर इसकी स्थापना की बात करें आईसीसी की, तो आप जानते हैं 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रफुल्ल पटेल की, तो प्रफुल्ल पटेल के बारे में फीफा परिषद के परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय हैं, कौन? प्रफुल्ल पटेल, है ना। फीफा परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? प्रफुल्ल पटेल। और आप जानते हैं फीफा एक फुटबॉल फेडरेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिक में है। नेक्स्ट अगर बात करें डेविड आर मालपास की, तो विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में इन्हें देखा जाता है। अगर नेक्स्ट हम देखें तिजानी मोहम्मद बंदे, है ना, तो यूएनओ महासभा के 74वें अध्यक्ष है ये, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन महासभा के 74वें अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। और आप जानते हैं क्रिस्टालिना जॉर्जेवा आईएमएफ के प्रबंधक के रूप में हम इन्हें देखते हैं, क्रिस्टालिना जॉर्जेवा आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रबंधक निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। और आप जानते हैं नेक्स्ट अगर बात करें तो सुमन कुमारी की, तो सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज है, है ना। सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज के रूप में नियुक्त है। और आप जानते हैं कि तुलसी गेवार्ड यूएसए के राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने वाली प्रथम हिंदू महिला है ना, कौन? तुलसी गेवार्ड। नेक्स्ट अगर देखें पद्मा लक्ष्मी, तो यूएनडीपी की सद्भावना राजदूत, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की सद्भावना राजदूत के बारे में अगर बात करें तो आप जानते हैं पद्मा लक्ष्मी। अगर नेक्स्ट हम देखें तो सौम्या स्वामीनाथन WHO के मुख्य वैज्ञानिक है ये, सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करें अनीता भाटिया की, तो यूनाइटेड नेशन वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगर नेक्स्ट हम देखें नेक्स्ट पॉइंट में तो अंशुल कांत, तो आप जानते हैं कि विश्व बैंक की सीईओ कौन है? अंशुल कांत विश्व बैंक की सीईओ के रूप में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। नेक्स्ट अगर देखें तो जीएस लक्ष्मी, तो आप जानते हैं कि आईसीसी मैच रेफरी की अंतरराष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला के रूप में इन्हें देखा जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रीति पटेल की, तो आप जानते हैं ब्रिटेन की गृह सचिव के रूप में इनकी नियुक्ति हुई प्रीति पटेल की, ठीक है। तो ये थे हमारी 2019 की कुछ प्रमुख नियुक्तियां जिनके बारे में हमने देख लिया। राष्ट्रीय पुरुष संदर्भ नियुक्तियां देखी, राष्ट्रीय महिला संदर्भ नियुक्तियां देखी और अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां देखी। अब बात करते हैं हम कुछ एक पुरस्कारों की, तो आप जानते हैं सबसे पहले बात करते हैं भद्रवा बाप्टा पुरस्कार 2019 की। तो भद्रवा बाप्टा पुरस्कार 2019 में किसे दिया गया, कौन देता है, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो बाप्टा सबसे पहले अगर बात करें तो आप जानते हैं इसकी जो फुल फॉर्म होती है तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ठीक है जी। और आप जानते हैं कि बाफ्टा पुरस्कार कौन देता है, तो ये यूके देता है, यूनाइटेड किंगडम देता है। और आप जानते हैं इनका जो पहला सम्मान था, इन्होंने पहला सम्मान कब दिया, तो ये 29 मई 1949 को इन्होंने पहला सम्मान दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है जी। देखिए इसमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट हमें चीजों को समझना है और समझने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि बाफ्टा पुरस्कार में 2019 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो है रोमा, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो आप जानते हैं कि रामी मालेक जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में यहां दिखते हैं, ठीक है। इन्हें जो है बाफ्टा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की, तो आप जानते हैं ओलिविया कालमन जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया बाफ्टा पुरस्कार से। और नेक्स्ट अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर की, तो आप जानते हैं अल्फासो क्रारोन को सम्मानित किया गया बाफ्टा पुरस्कार से। तो उम्मीद करता हूं कि सबसे पहला जो इन्होंने सम्मान दिया था
तो 29 मई 1949 में सबसे पहला पुरस्कार इन्होंने दिया। और नेक्स्ट अगर देखें हम 20वां आईफा अवार्ड 2019 है ना, तो आईफा अवार्ड के बारे में आप सभी जानते हैं है ना। आईफा अगर बात करें इसकी फुल फॉर्म की तो इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमी अवार्ड, इसकी जो फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें स्थापना की तो आप जानते हैं 2000 में इसकी स्थापना हुई है और ये अवार्ड जो है इंडिया में दिए जाते हैं। तो देखते हैं अब सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला। आईफा अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो राजी फिल्म को ये अवार्ड दिया गया। अगर अभिनेता की बात करें तो आप जानते हैं कि रणवीर सिंह को ये अवार्ड मिला। और नेक्स्ट अगर अभिनेत्री की बात करें तो आलिया भट्ट को ये अवार्ड मिला, 20वां आईफा अवार्ड 2019। ठीक है जी। और नेक्स्ट अगर हम देखें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं श्री राम राघवन को ये अवार्ड मिला। ठीक है जी। तो ये अवार्ड आप जानते हैं एक्सीलेंस इन द सिनेमेटिक अचीवमेंट फॉर बॉलीवुड में ये दिया जाता है। ठीक है जी। जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया होता है या फिर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और आप जानते हैं इसे प्रेजेंट कौन करता है, ये प्रेजेंट किया जाता है आईफा के द्वारा। ठीक है जी, इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमी के द्वारा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम 61वां ग्रैमी पुरस्कार 2019, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप जानते हैं इसमें अगर थोड़ी सी बात करें तो इसे ग्रैमोफोन अवार्ड भी बोलते हैं। ठीक है जी। और ये संगीत उद्योग में उपलब्धि पाने पे मिलता है और दिया जाता है। ठीक है, संगीत के क्षेत्र या फिर उद्योग में अचीवमेंट प्राप्त करने के संदर्भ में ये दिया जाता है, उपलब्धियां पाने के लिए दिया जाता है। और आप जानते हैं कि ये ग्रैमी पुरस्कार सबसे बड़े वार्षिक संगीत पुरस्कारों में से एक है। ठीक है जी। और आप जानते हैं संगीत में सबसे बड़े पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है अमेरिका अवार्ड्स फर्स्ट नंबर पे, और दूसरे पुरस्कार की बात करें तो ग्रैमी अवार्ड, अगर थर्ड की बात करें तो बिलबोर्ड म्यूजियम अवार्ड। ठीक है जी। अगर इनमें अगर हम देखें कि इनमें पहला अवार्ड कब दिया तो आप जानते हैं कि 4 मई 1959 में इन्होंने अपना पहला अवार्ड दिया। ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर बात करें हम फर्स्ट पॉइंट की तो आप जानते हैं एव ऑफ द ईयर गोल्डन ओर को ये ग्रैमी अवार्ड दिया गया। और नेक्स्ट अगर बात करें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर तो दिस इज अमेरिका को ये दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2018 की, तो आप जानते हैं अगर हिंदी में हम बात करें हिंदी के लिए तो चित्रा मृदुल को ये दिया गया और इनका उपन्यास था पोस्ट बॉक्स नंबर 203। ठीक है जी। अगर इंग्लिश में बात करें तो आप जानते हैं तो अनीस सलीम को ये अवार्ड दिया गया और इनका उपन्यास था द ब्लाइंड लेडीज डिस डेट्स। ठीक है जी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2019 की, लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2019 की। ठीक है जी। तो फर्स्ट देखते हैं इसमें कि स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला, नोवाक जोकोविच को जो सर्बिया से थे। ठीक है जी, सर्बिया के हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर तो आप जानते हैं ये किसे दिया गया, सिमोन वाइलस को दिया गया जो कहां से है, यूएसए से है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीएट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार, सीएट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार 2019 की, तो आप जानते हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड विराट कोहली को दिया। और सभी जानते हैं, सभी विराट कोहली को जानते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर, इंटरनेशनल बॉलर की बात करें तो जसप्रीत बुमराह को ये अवार्ड मिला। ठीक है जी, ये पुरस्कार मिला। और नेक्स्ट अगर इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द ईयर की बात करें तो आप जानते हैं स्मृति मंधावा को ये पुरस्कार दिया गया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा, है ना। तो नेक्स्ट अगर हम देखें कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे मिला, तो बात करते हैं सर डेविड एटनबरो को ये पुरस्कार मिला। और प्रकृतिवादी थे, ये प्रसारक थे। ठीक है जी। और इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम राजा राम मोहन राय पुरस्कार की, तो आप जानते हैं कि गुलाब कोठारी
गुलाब कोठारी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो राजस्थान पत्रिका ग्रुप के क्या थे, चेयरमैन। ठीक है, राजस्थान पत्रिका ग्रुप के चेयरमैन है और इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेसीबी पुरस्कार 2019 साहित्य क्षेत्र में दिए जाते हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि माधुरी विजय को ये पुरस्कार मिला और इनकी जो कृति थी, इनकी कृति थी द फार फील्ड। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 की बात करें तो आप जानते हैं ग्रेटा थुनबर्ग को ये पुरस्कार दिया गया, जो कि पर्यावरण आंदोलन हेतु इन्होंने कार्य किए, पर्यावरण को बचाने के संदर्भ में कार्य किए और आप जानते हैं तो ये अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019 की, तो आप जानते हैं जो शीर्ष पहले रैंक पे प्राप्त राज्य वो तमिलनाडु ने प्रथम रैंक हासिल किया इसमें। और आप जानते हैं दूसरा अगर जिले की बात करें तो पेडापली ये भी तमिल में ही स्थित है और इसे ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं गांधी मंडेला शांति पहल पुरस्कार 2019 में पहली बार दिए गए हैं ये। और आप जानते हैं कि गांधी मंडेला शांति पदक पुरस्कार 2019 किसे मिला, तो थीक नाथ हान को ये पुरस्कार दिया गया। और आप जानते हैं कि ये कहां से थे, ये वियतनाम से संबंध रखते, वियतनाम के है। ठीक है जी। अब बात करते हैं पर्यावरण के लिए गांधी मंडेला पुरस्कार 2019 में किसे दिया गया, तो आप जानते हैं महेंद्र मोदी को ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सामाजिक प्रभाव के लिए गांधी मंडेला पुरस्कार किससे दिया गया, तो आप जानते हैं डॉक्टर अच्युता सामंत को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं संगीत कला निधि पुरस्कार की, तो संगीत कला निधि पुरस्कार में अगर हम देखें तो आप जानते हैं कि एम सोम्या को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कहां से बिलोंग करते हैं, ये कर्नाटक से हैं और एक संगीतकार है। ठीक है जी। और अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आईफा अवार्ड्स की, AIFF Awards 2019 की, तो देखते हैं पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर ये अवार्ड किसे दिया गया, तो आप जानते हैं सुनील छेत्री को ये अवार्ड मिला। और आप जानते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर की, तो आशा लता देवी को ये फुटबॉल पुरस्कार मिला। ये महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर में ये पुरस्कार किसे दिया गया, आशा लता देवी को ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है नी। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो सार्क फिल्म महोत्सव 2019, तो आप जानते हैं इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो ये श्रीलंका में हुआ। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में अगर देखें तो आप जानते हैं नगर कीर्तन सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में यहाँ पे हमें दिखता है। और आप जानते हैं ये नगर कीर्तन ये कहां से, भारत से संबंधित है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें विश्व प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2019 की, तो आप जानते हैं जॉन मूर को ये अवार्ड मिला। और आप जानते हैं क्राइंग गर्ल ऑन द बॉर्डर के लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया। ठीक है जी। और विश्व प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2019 किसे मिला, जॉन मूर को क्राइंग गर्ल ऑन द बॉर्डर के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। और नेक्स्ट अगर बात करें तो आप जानते हैं दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 की बात करें, तो आप जानते हैं इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला, सलीम खान को मिला, आप सभी जानते हैं। अगर नेक्स्ट विशेष पुरस्कार की बात करें तो विशेष पुरस्कार हेलेन को मिला। ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2019
किसे दिए गए, ठीक है जी। तो ये आप जानते हैं संयुक्त रूप से दिए गए, तो यहाँ पे दो नाम आपको दिखते हैं, क्याब सो ओ और बालोन को ये संयुक्त रूप से दिए गए, क्याब सो ओ तथा बालोन को ये संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं राणा दास गुप्ता की, तो राणा दास गुप्ता को सोलो में पुरस्कार मिला, ठीक है जी। अगर नेक्स्ट योही ससाकावा की बात करें, तो इन्होंने कुष्ठ रोग और विश्व शांति में महान योगदान दिया और इनके लिए इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आप जानते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्लोबल टीचर प्राइज 2019 की, ग्लोबल टीचर प्राइज 2019 की, तो आप जानते हैं पीटर ताविची को ये अवार्ड मिला, और मैथमेटिक्स के लिए मिला, और आप जानते हैं ये बिलोंग करते हैं अफ्रीका से। अगर बात करें नेक्स्ट की भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष पुरस्कार किसे मिला, तो आप जानते हैं मधुर भंडारकर को ये सम्मान दिया गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट अगर बात करें स्थाईसवा एकतव्य पुरस्कार 2019 किसे मिला, तो आप जानते हैं झोली दल बोरा को ये पुरस्कार दिया गया, और आप जानते हैं ये महिला वेट लिफ्टर के लिए इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये हमारी पूरी चर्चा हुई जो भी करंट इवेंट्स और करंट नियुक्तियां और पुरस्कार के संदर्भ में, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।